बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेज टॉपिक इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वी ड्रॉ द सर्किट्स एंड एनालाइज देयर इनपुट एंड आउटपुट ग्राफ्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एज क्लियर फ्रॉम द नेम, इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एमिटर इज कॉमन बिटवीन बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट। Here the circuit for both PNP and NPN transistors are shown, and we see that input is given at the base emitter junction and output is collected at the collector base junction. The direction of the current flow are also given. Mostly we study PNP transistor, both are the same if we study PNP transistor or the NPN transistor. So in PNP transistor, in the figure 3.12b, we see that the direction of current is shown. Current emitter injects a large number of volts, a large current. A few number of volts will pass through the base and other will go through the collector. Ab if I explain you, common base transistor mein base was common. सो आपके पास जो डिसीजिव फैक्टर थे, जो डिसाइसिव फैक्टर थे, वो क्या थे? वो ये थे कि आपके पास बेस जो है वो इनपुट और आउटपुट में नहीं आ रही थी। इनपुट में आपने एमीटर करंट लिया था और बेस एमीटर वोल्टेज ली थी। आउटपुट में आपने कलेक्टर करंट लिया था और कलेक्टर बेस वोल्टेज ली थी। अब इस वक्त आपके पास क्या है कि एमीटर कॉमन है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। सो अब जो आप जंक्शन देखेंगे वो ये होगा कि द इनपुट जंक्शन विल बी एमीटर बेस जंक्शन। इनपुट एमीटर और बेस के दरमियान होगी और आउटपुट कलेक्टर और एमीटर के दरमियान होगी। सो जब आउटपुट कलेक्टर और एमीटर के दरमियान होगी, सो आप देखेंगे कि एमीटर जो है वो आपने कॉमन कर दिया है बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। तो अब आपने जब इनपुट और आउटपुट के पैरामीटर्स देखने हैं, वो फंक्शंस देखने हैं जिन पर इनपुट और आउटपुट डिपेंड कर रहे हैं। सो आपके पास जो इनपुट है, इनपुट में हमारे पास अब बेस करंट आएगा क्योंकि एमीटर कॉमन है। सो अब इनपुट में क्या होगा? बेस करंट होगा और आउटपुट में क्या होगा? कलेक्टर करंट होगा। सो आपके पास इनपुट जंक्शन क्या है? बेस एमीटर जंक्शन। आउटपुट क्या है? कलेक्टर एमीटर जंक्शन। ठीक, यानी एमीटर दोनों में आ रहा है। ठीक है, बेस इनपुट में है, कलेक्टर आउटपुट में। और करंट में क्या होगा? जो अगर आप इनपुट का ग्राफ बनाएं और आउटपुट का ग्राफ बनाएं, तो इनपुट के ग्राफ में क्या आएगा? इनपुट का करंट और इनपुट की वोल्टेज। तो इनपुट का जंक्शन क्या है? बेस एमीटर का जंक्शन। बेस एमीटर के ऊपर जो जंक्शन पे वोल्टेज है वो होगी वी बी ई। और उन्होंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि जो बेस एमीटर का जंक्शन है सिलिकॉन डायोड्स है, तो बेस एमीटर के जंक्शन के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा 0.7 वोल्ट आप लेंगे। सो वी बी ई इधर भी आप कितना लेंगे? 0.7 वोल्ट। कि सिलिकॉन का जंक्शन है, बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में आपके पास 0.7 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होती है और उसके बाद करंट क्या होता है? इंक्रीज करता है। और आउटपुट में क्या है? कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि आपके पास कलेक्टर एमीटर क्या होगा। कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो है वो रिवर्स बायस होगी। अगर आप देखें कलेक्टर एमीटर क्या है, रिवर्स बायस है। ठीक है, सो इसमें आप फिर ये देखो के जो इनपुट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, बेस करंट और बेस एमीटर वोल्टेज। आउटपुट में क्या आएगा? कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वाली वोल्टेज। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर जो की है इसमें आप देख सकते हैं आपके पास दोनों सर्किट्स हैं। आप किसी एक को देख लें, एनपीएन को देख लें या पीएनपी को देख लें। डायरेक्शंस आप देखें, पीएनपी में होल्स के करंट की डायरेक्शन है कि करंट इज इंजेक्टेड थ्रू द एमीटर, एमीटर में से करंट एंटर हो रहा है एंड कलेक्टेड एट द कलेक्टर। बहुत स्मॉल करंट जो है वो बेस में से फ्लो करता है। सो अब हम इसकी अगर फर्दर डिस्कशंस देखें ग्राफ्स की, पहले मैं इसका आज के दिन में आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में आपके पास इनपुट और आउटपुट का ग्राफ क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आपके पास कॉमन बेस कन्फिग्रेशन और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंस आता है। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एंड द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में इनपुट के ग्राफ में कोई कंसीडरेबल फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि आप एक्सिस के लेबल में देखें। एक्सिस के लेबल में एक्स एक्सिस में वही है बेस एमीटर वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है। अब वाई एक्सिस में अगर आप देखें, वाई एक्सिस में आपने करंट लेना होता है। हम
आईवी कर्व बनाते हैं ना, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हैं। तो जब आपने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में ग्राफ बनाया था इनपुट का, तो वहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पे थी बेस एमिटर वोल्टेज और आउटपुट पर और वाई एक्सिस पे थी एमिटर करंट था, क्योंकि वो इनपुट करंट था। यहाँ पर इनपुट करंट इज द बेस करंट। सो अगर आप देखें आपके पास बी में जो इनपुट वाली फिगर है उसमें ये फॉरवर्ड बायसिंग की जो फिगर है इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे बेस एमिटर वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे क्या बेस करंट है। कॉमन बेस में ये बेस करंट की बजाय एमिटर करंट था। अब ना सिर्फ ये कि एमिटर करंट और बेस करंट का लेबल जहाँ चेंज हुआ है, यूनिट्स भी चेंज हो गए। एमिटर करंट एक लार्ज करंट था, वो मिली एम्पेयर्स में था। अब जब आप बेस करंट लेंगे तो अब बेस करंट आपके पास माइक्रो एम्पेयर्स में आएगा। अगर हम आउटपुट की डिफरेंट वोल्टेज के लिए इसे सेट करके देखें तो भी वही सी के आपके पास इनपुट कर्व में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता। सो आपके पास इनपुट ऑलमोस्ट, हम अगर इक्विवेलेंट मॉडल लें तो हम कह सकते हैं कि 0.7 वोल्ट से पहले पहले करंट स्मॉल होता है और 0.7 वोल्ट के बाद फॉरवर्ड बायसिंग की तरह करंट क्या होता है, क्विकली इंक्रीज करता है। सो इनपुट में ग्राफ्स में दोनों में बस इस चीज़ का फ़र्क है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में और कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में। दोनों में बेस एमिटर जंक्शन है, दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, लेकिन क्या है उसमें आपने इनपुट का करंट एमिटर करंट लिया था क्योंकि बेस कॉमन था। अब इसमें क्योंकि एमिटर कॉमन है तो आप इनपुट का करंट ले क्या लेंगे, बेस करंट लेंगे, और दोनों की यूनिट्स फ़र्क है। बेस करंट आपके पास माइक्रो एम्पेयर्स में होगा और जो एमिटर करंट था वो हमारे पास मिली एम्पेयर्स में था। अब जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ बिटवीन द आउटपुट ग्राफ। आउटपुट ग्राफ में आपके पास करंट का लेबल वही है, करंट उसमें भी क्या था, कलेक्टर करंट आउटपुट था, इधर भी कलेक्टर करंट आउटपुट है, लेकिन वहाँ पर आपके पास आउटपुट जंक्शन क्या था, आउटपुट जंक्शन था कलेक्टर बेस जंक्शन। यहाँ पर आउटपुट जंक्शन है कलेक्टर एमिटर जंक्शन। सो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, वी सी ई होगा, कि आपके पास कलेक्टर और एमिटर के जंक्शन पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। एंड कलेक्टर एमिटर जंक्शन इज टेकन एज रिवर्स बायस्ड। अब इसमें आपके पास क्या होगा, अब इसमें हमारे पास हमने क्या किया है, एमिटर करंट जो है वो आपके पास कॉमन है उसको हम नहीं देख रहे। अब इनपुट क्या है, बेस करंट है। अब उस तरह से अगेन ये आपके पास ऑलमोस्ट 8-9 कर्व्स हैं जो एक ग्राफ पे प्लॉट की गई हैं। अगर आप किसी एक कर्व को देख लें, हम ये कर्व देखते हैं जो सबसे पहले है, दैट कर्व इज आई ये। अच्छा, वहाँ पर आपके पास इनपुट करंट क्या था, एमिटर करंट था। आपने आउटपुट में बहुत सारी कर्व्स ड्रॉ की थी, इनपुट की डिफरेंट वैल्यू रख रखे। यहाँ पर इनपुट ग्राफ क्या है, इनपुट करंट क्या है, बेस करंट है। सो हम इनपुट में भी डिफरेंट वैल्यू रख के देखेंगे, बेस करंट को 0 रखा, बेस करंट को 10 रखा, 20 रखा, 30 रखा। सो बेस करंट की डिफरेंट वैल्यू के लिए देखेंगे कि आउटपुट क्या होगी। सो अभी हम सिर्फ एक्टिव रीजन देखते हैं। एक्टिव रीजन अगेन वही अनशेडेड वाला रीजन है। एक्टिव रीजन में क्या होता है, बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। सो आपके पास अगेन उस तरह से लार्ज करंट हमें आउटपुट में मिलेगा। सो आपके पास क्या होगा, आप अगर देखेंगे आपके पास जो भी कोई बेस करंट की जो भी वैल्यू है, जो आपके पास कलेक्टर करंट है वो क्या आएगा, वो आपके पास क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे आप आउटपुट में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आपके पास स्लाइड स्लाइड सा चेंज आता जाएगा। सो आपके पास ये क्या होगा, इसके कलेक्टर करंट की वैल्यू होगी। वहाँ पर आपके पास कर्व बिल्कुल स्ट्रेट थी, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन हमारे पास एमिटर करंट और कलेक्टर करंट बिल्कुल इक्वल थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हमारे पास स्लोली स्लोली कलेक्टर करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपने एमिटर करंट को फिक्स किया हुआ है और बेस करंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो एमिटेड करंट अगर फिक्स भी है लेकिन ये जो बेस करंट ऐड हो रहा है, सो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, आउटपुट का करंट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आपके पास रीजन जो है ना, मेन डिफरेंस जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में, इफ़ यू आर आस के आप कंपेयर करें कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को, तो जो इनका मेन डिफरेंस है, सैचुरेशन रीजन भी ऑलमोस्ट आपके पास वही है कि आपके पास क्या होगा, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, करंट बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए फ्लो करेगा और आपके पास सेचुरेशन हो जाएगी, मजीद करंट फ्लो नहीं करेगा। एक्टिव रीजन में उस तरह सही है कि आपके पास हर बेस करंट के लिए डिफरेंट आपके पास कलेक्टर करंट की वैल्यूज आ रही है। द मेन डिफरेंस है वो हम जो कंसीडर करते हैं वो आपके पास कट ऑफ रीजन है। अगर आपको याद हो जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा था उसमें जो कट ऑफ रीजन था वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ टच हो रही थी लाइन। हम कहते थे कि आपके पास जो करंट है वो 0.0001 मिली एम्पेयर है,
अप्रोचेस टू जीरो है, लेकिन जीरो नहीं है, कोई मिलियन पेयर्स का कोई हजारवां हिस्सा है। क्योंकि वहां पर क्या था, कट ऑफ रीजन में क्या था कि हमारे पास इनपुट भी रिवर्स बायस हो गई थी और आउटपुट भी रिवर्स बायस हो गई। और इनपुट में आपके पास क्या था, इनपुट करंट था, एमिटर करंट था। तो अगर एमिटर करंट जीरो हो गया था तो आउटपुट पे सिर्फ बेस करंट आ रहा था जो बहुत स्मॉल था, जिसकी वजह से आपके पास आउटपुट क्या थी, तकरीबन नेग्लिजिबल थी। अब इसमें क्या है, एमिटर कॉमन है, इनपुट क्या है बेस करंट है और आउटपुट क्या है कलेक्टर करंट है। अगर आप कट ऑफ रीजन में इनपुट को भी रिवर्स बायस कर देते हैं, सो इनपुट को रिवर्स बायस करने का मतलब है कि आप बेस करंट को ज़ीरो करते हैं। सो अगर आप बेस करंट को ज़ीरो भी कर देते हैं तो आउटपुट करंट ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि बेस करंट को ज़ीरो करने से आपके पास आउटपुट का करंट ज़ीरो नहीं होगा। इनपुट बहुत स्मॉल है, बेस करंट बहुत स्मॉल है, बाकी जो एमीटर करंट है, कलेक्टर करंट है, वो तो फ्लो कर रहा है, सो कलेक्टर में से करंट फ्लो करेगा। सो आपके पास ये जो कट ऑफ रीजन है, इसमें हमारे पास ये जो लाइन है ये शो करती है, इसमें अगर आप वाई एक्सिस के साथ देखें तो आपके पास आउटपुट में कोई ना कोई करंट आ रहा है। और इस करंट को, ये जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, इसके कट ऑफ करंट को हम शो करते हैं ICEO से। ICEO का मतलब है कि ये करेक्टर करंट है। आईस बेस कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में जो कट ऑफ करंट था उसे आप शो करते थे ICBO से। वो करंट था बिटवीन कलेक्टर टू बेस जब एमीटर क्या था, ओपन था। और ये क्या है, ये कलेक्टर और एमीटर के दरमियान करंट है जब बेस क्या है, ओपन है। ICEO करंट बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर व्हेन द बेस इज ओपन। और जो हमके पास एक्टिव रीजन है उसमें अगर आप देखें, उस एक्टिव रीजन में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि IC जो है वो तकरीबन अल्फा IE के इक्वल है, बेस करंट बहुत स्मॉल है। सो जो आपके पास कलेक्टर करंट में आ रहा है करंट, जो आपने पढ़ा था कि हमारे पास क्या, जितने भी करंट हम एमीटर से इंजेक्ट करते हैं वो सारे कलेक्टर में आते हैं, तो IC किसके इक्वल है, तकरीबन अल्फा IE के। और जो कट ऑफ रीजन में करंट है इसे भी हमने ड्राइव करना है, वो भी हम ड्राइव करते हैं। इसकी डेरिवेशन ना मैं आपको वीडियो बना के भी ना पेपर पे या बोर्ड पे शेयर कर दूंगी, क्योंकि बुक से तो सिर्फ आपको मैं बोल ही सकती हूँ, लेकिन मैं आपको इसको बोर्ड पे प्रॉपर इसकी डेरिवेशन शेयर कर दूंगी। लेकिन अगर मैं वैसे बताएं तो बात यह है कि जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में जब आप इनपुट करंट ज़ीरो कर देते हैं तो आपके पास जो कट ऑफ वाला करंट आता है वो अप्रोक्सीमेटली बहुत स्मॉल होता है। और जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, इसमें इनपुट क्या है, बेस करंट है। अगर आप उसे स्मॉल कर देते हैं फिर भी आपके पास कलेक्टर और एमिटर के दरमियान करंट फ्लो करता है, जो कि इतना स्मॉल नहीं होता, जैसे ग्राफ में भी आपने शो किया हुआ है, ये वाला करंट से हमने शो किया, ये जो शेडेड रीजन के ऊपर लाइन आ रही है। जब बेस करंट ज़ीरो है तो भी आपके पास जो आउटपुट करंट है वो इतना स्मॉल नहीं है। If you have the notes, you can see from the figure 3.14 and 3.15. 3.14 में आपके पास सर्किट कंडीशन शो की गई है कि अगर बेस ओपन है, यानी कि आपके पास अगर इनपुट ओपन है, तो अब जो कलेक्टर और एमीटर के दरमियान करंट फ्लो करेगा उसे हम कहेंगे ICEO। ये करंट है फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर व्हेन द बेस इज ओपन। आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर 3.14, यू कैन सी इट फ्रॉम योर बुक। एंड फिगर 3.15 शोज द इक्विवेलेंट मॉडल फॉर द इनपुट सर्किट। इक्विवेलेंट मॉडल ये शो करते हैं कि आपके पास इनपुट में आपके पास जितनी भी वोल्टेजेस हैं और जो भी करंट है, अगर आपके पास इनपुट में क्या है, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, सो नी वोल्टेज से पहले पहले करंट जीरो होगा और नी वोल्टेज के बाद करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अलावा मैं आपको वो जो डेरिवेशन है बुक से भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ, और फर्दर ये कि मैं आपको उसका वीडियो लेक्चर भी शेयर कर दूंगी जिसमें हम इसकी डेरिवेशन को मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। मैं आपको बुक से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको इसकी डेरिवेशन।
The cutoff region for common in the common base was clearly defined कि वो आपके पास जस्ट अबव द एक्स एक्सेस है, बहुत स्मॉल करंट है, लेकिन कॉमन एमिटर में आपके पास इसके करंट की वैल्यू जो है वो कुछ हो सकती है। ऐसा है कि बेस करंट के जीरो होने से कलेक्टर करंट जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और फैक्टर भी हम जो है वो देखो, यहाँ पर आपके पास इनपुट क्या है, बेस करंट है, आउटपुट क्या है, कलेक्टर करंट है। तो यहाँ हम एक और फैक्टर भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसे आप करंट गेन कहते हैं। एंड करंट गेन बीटा इज इक्वल्स टू आई सी ओवर आई बी। आई रिपीट, करंट गेन बीटा, एक फैक्टर हम नया इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दैट इज करंट गेन विच इज बीटा, एंड बीटा इज इक्वल्स टू आई सी ओवर आई बी, क्योंकि आउटपुट क्या है, आई सी है, और इनपुट क्या है, आई बी है। तो आउटपुट ओवर इनपुट आपके पास क्या देगा, करंट गेन देगा। ये हमें ये देगा कि इनपुट में अगर आपने इतना करंट एंटर किया है, सो आउटपुट में आपको क्या करंट मिल रहा है, सो बीटा इज इक्वल्स टू आई सी ओवर आई बी। तो एक और एक फैक्टर आपने पहले पैरामीटर पढ़ा था अल्फा, और आज आपने क्या पढ़ा है, बीटा। बीटा इज इक्वल्स टू आई सी, कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट, और कलेक्टर करंट बहुत लार्ज होता है, बेस करंट बहुत स्मॉल होता है। सो आपके पास जो बीटा की वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 300 और 400 की लाइन में आती है। अब मैं आपको बुक से ना ये थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं आपको फर्दर इसके वीडियो लेक्चर अलग से भी शेयर कर दूँगी इस डेरिवेशन का, कि आपके पास ये डेरिवेशन क्या शो करती है, कि हम कट ऑफ करंट इन कॉमन बेस और कट ऑफ करंट इन कॉमन एमीटर को कैसे रिलेट करते हैं। मैं थोड़ा सा इधर से एक्सप्लेन करती हूँ, बट आई विल शेयर अ लेक्चर सेपरेटली फॉर दिस। आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, ये इक्वेशन 3.6 जो है ये हमने पहले भी पढ़ी थी। आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई सी बी ओ, और अगर हम आई ई को देखें तो अगर हम ट्रांजिस्टर के करंट से इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वो आ जाती है आई सी प्लस आई बी। मतलब इधर से मुझे बोल के आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा लग रहा है, अजीब लग रहा है, और आपको शायद इससे समझ भी ना आए। तो मैं आपको इसकी डेरिवेशन जो है ना, ये मैं आपको सेपरेटली आज एक अलग लेक्चर में शेयर कर देती हूँ। और मैं आपको वैसे वर्बली ये बता देती हूँ, इस डेरिवेशन का जो रिजल्ट होगा वो ये शो करेगा कि जो आपके पास कट ऑफ करंट इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर था वो बहुत स्मॉल था, वो बहुत स्मॉल था, इतना स्मॉल था कि आप कह सकते हैं कि वो माइक्रो एम्पेयर्स में था। लेट्स से वी से कि वो 0.001 मिली एम्पेयर था। अब हम जो फाइनल डेरिवेशन इधर ड्राइव करेंगे, वो डेरिवेशन ये आएगी कि आपके पास जो कट ऑफ करंट इन, ये इक्वेशन 3.9 की डेरिवेशन आई विल शेयर सेपरेटली। सो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है उसमें जो कट ऑफ करंट है वो इतना स्मॉल नहीं है, तो मिली एम्पेयर्स में आ रहा है। सो ये डेरिवेशन ये शो करेगी कि आपके पास कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को आप आपस में कैसे रिलेट करते हैं, एंड आई विल शो दिस वाय सेपरेट लेक्चर। सो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन रिवाइज कर दूँ, वो ये है कि आपके पास हमने आज देखा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में आपके पास एमिटर कॉमन है, और आपके पास इनपुट जंक्शन है बेस एमिटर जंक्शन, आउटपुट जंक्शन है एमिटर कलेक्टर जंक्शन। एमिटर करंट कॉमन है, इसलिए इनपुट करंट क्या है, बेस करंट, आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट। एक्टिव रीजन में भी आप देखेंगे कि आपके पास सिंपली क्या हो रहा है, करंट गेन मिल रहा है, करंट आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बेस करंट बहुत स्मॉल है, 10 माइक्रो एम्पीयर्स है, 20 माइक्रो एम्पीयर्स है, लेकिन जो आउटपुट का करंट है वो आपको लार्ज मिल रहा है। और फिर आपने सैचुरेशन रीजन बिल्कुल उसी तरह से था कि बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए आपके पास क्या होता है, हमारे पास आउटपुट क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। और जो कट ऑफ रीजन है उसमें आपके पास जब दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएंगे, इनपुट भी रिवर्स बायस हो जाएगा, आउटपुट भी रिवर्स बायस हो जाएगा। सो इनपुट क्या है, बेस करंट है, तो इनपुट के रिवर्स बायस होने से, इनपुट के ओपन होने से आउटपुट जो है उसका करंट ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि आपने बेस करंट को ज़ीरो किया, लेकिन वो करंट जो दोनों के दरमियान कॉमन है, एमिटर करंट, वो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो क्या, वो एक लार्ज करंट है, जिसकी वजह से आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, एक लार्ज करंट मिलेगा। जिसका मतलब है इनपुट के स्मॉल करंट होने के बावजूद हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, लार्ज करंट मिल रहा है। सो हम ये कहते हैं कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में आपको करंट गेन मिलता है, और उस करंट गेन को आप डिफाइन करते हैं एक फैक्टर बीटा से, और बीटा की वैल्यू होती है आई सी ओवर आई ई। यहाँ बुक में कहीं लिखी हुई होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, ये करंट गेन है। ठीक है, आज के दिन के लिए आपका जो काम है दैट इज जस्ट ये कि आपने एक तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की रीडिंग करनी है, एंड वेट फॉर द अदर लेक्चर व्हिच आई एम गोइंग टू अपलोड बाय टुनाइट इंशाल्लाह। और उसमें मैं आपको इसकी ये जो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की जो
डिफरेंस है, एक तो उसको एक्सप्लेन करूंगी और एक ये कि हम दोनों के जो कट ऑफ करंट है उसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। आपने ये एग्जांपल 3.2 को देख लेना है, इसकी रीडिंग करनी है। आज शाम तक मैं आपको दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी। उस दूसरा लेक्चर अपलोड करने के बाद आप इसको स्टडी करें। सो परसों के लेक्चर में